इस तरह की खबरें आ रही थी कि करण जौहर का नाम भी अब सामने आ सकता है। करण जौहर ने लेकिन ऐसा होने से पहले ही अपनी तरफ से एक लीगल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी ड्रग्स के मामले में। चलिए वो क्या स्टेटमेंट है आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के जो डायरेक्टर है यानी कि क्षितिज प्रसाद, उनको जैसे मैंने आपको बताया कि परसों उनको एनसीबी ने समन भेजा था और फिर उनसे पूछताछ की जा रही है और वो कई खुलासे कर रहे हैं। अब ऐसे में करण जौहर जो है वो परेशान है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर और सब जगहों पर उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जहां उन्होंने कहा है, मैं किसी भी ऐसे नारकोटिक सब्सटेंस को प्रमोट नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता, प्रोक्योर नहीं करता। प्रोक्योर यानी किसी और को देता नहीं हूं, खुद भी लेता नहीं हूं और इन चीजों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। अब क्षितिज प्रसाद के समन के कुछ ही वक्त बाद ये स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल तो खड़े कर ही रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या एनसीबी के अगले टारगेट पर करण जौहर है। देखिए, इंडस्ट्री में इस वक्त काफ़ी डर का माहौल है क्योंकि कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब वो लोग गुनहगार हैं नहीं है, ड्रग्स कंज्यूम किया है नहीं किया है, ड्रग्स की डीलिंग की है नहीं की है, इन सभी चीज़ों की बात एक तरफ है, लेकिन नाम आ जाने, महज नाम आ जाने भर से ही एक जो सालों की इज्जत होती है ना, वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उछल रही है। सो इसीलिए करण जौहर जो है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत प्रिकॉशंस के साथ ये डिसीजन लिया है कि उन्हें सामने आकर ये बात बोलनी है दैट ही इज़ नॉट कंज्यूमिंग इट, ही इज़ नॉट प्रमोटिंग इट एंड ही इज़ नॉट ईदर प्रोक्योरिंग इट। सो क्या कुछ आपकी राय है इस पर आप मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।